हेलो फ्रेंड्स, ये 25 तारीख की बोई हुई भिंडी है, रेडी हो गई। ये हमने दूर दूर लगाया है, इतना दूर दूर है ये। और आज 7 तारीख है ये, और अभी इसमें हम खाद कुछ भी नहीं देंगे 10 दिन तक, जब थोड़ी इतनी बड़ी हो जाएंगी। इसमें ऐसा लगेगा कि अब, क्योंकि भिंडी 25 दिन बाद मतलब 1 महीना में फल देने के लिए रेडी हो जाती है, 25 दिन में बहुत जल्दी तैयार होती है, 1 महीना तक में हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो अभी नहीं देंगे, अभी 1 सप्ताह की हुई, यानी 7 तारीख है, 25, हाँ 7-8 दिन की हो गई, और 7-8 दिन की हो जाए तो फिर इसमें हम खाद देंगे तो शेयर करेंगे। और दोस्तों, इसको जो ये भाजी हमारे हर मिट्टी में है, ये बहुत ज़्यादा लुनिया है, अपने आप सूखती हैं। कुछ पालक वगैरह लगाए थे तो जो बीज झड़े होंगे बारिश में अपने आप सूख गए, तो पालक कहीं कहीं 1-2 है, तो पालक को हम छोड़ देंगे, रहने देंगे, एक बार हार्वेस्ट कर लेंगे, इसके बाद उखाड़ देंगे। और ये लुनियों को अभी हम हटा देंगे, चारा को, जिससे ये साफ़ हो जाए, जिससे हमारी भिंडी की एनर्जी वेस्ट ना हो, अगल बगल साफ कर देंगे। और तो खाद और मिट्टी, अब मिट्टी मेन भुरभुरी है, अब पुरानी मिट्टी है, फर्टिलाइजर युक्त वेस्ट मटेरियल से तैयार, इसीलिए इतना अच्छा रिजल्ट हमको मिला है। ये भिंडी की परी एकदम बना ली है, देखिए इधर ऊंचाई है और ये नाली सा बना दिया है, इन्हीं नाली में हम भिंडी के बीज बोएंगे, ये देखिए। और जब ज़रूरत लगेगी कि मिट्टी, जैसे पानी देते देते मिट्टी इधर उधर हो जाती है, तो इधर से फिर हम मिट्टी इस में गोड़ा करके चढ़ा दिया करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये नोक वाला हिस्सा जो भिंडी में नोक सा रहता है, नीचे कर देंगे ये, और 1/2 इंच की गहराई पर हम डालेंगे। और अब इतना अंतर कर देंगे, ये देखिए, ये एक भिंडी हमने यहाँ लगाई, एक भिंडी यहाँ लगाई, ये एक मतलब 1.5 बित्ता का गैप है, जिससे जड़ों का विकास अच्छे से हो। हाइब्रिड के ये भिंडी के बीज हैं, ये नोक को नीचे कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोई कोई जल्दीबाजी में ऐसे ही बो देते हैं, वो सब निकल आएगा। और इन मिट्टियों को ऐसे हम कवर कर देंगे, ऐसे ही हम सब जगह बो देंगे।